खबर के साथ जो कि लखनऊ से मिल रही है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू और लोकभवन में हो रही है कैबिनेट की बैठक। 24 से ज्यादा प्रस्ताव हो सकते हैं पास, जिसमें आबकारी औद्योगिक विकास के प्रस्ताव, पीडब्ल्यूडी हायर एजुकेशन के प्रस्ताव आएंगे, आईटी स्टाम्प विभाग के प्रस्तावों पर होगी चर्चा, नई शीरा नीति लैंड यूज नीति पर प्रस्ताव, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो लोकभवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है और 12:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है कि जब प्रेस ब्रीफिंग भी होगी, लेकिन 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव बताए जा रहे हैं जो कि इस मीटिंग में पास हो सकते हैं। इसके अलावा उपचुनाव को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वो तो कौन कौन से प्रस्ताव है जो कि इस मीटिंग में लाए जा सकते हैं, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं। आबकारी औद्योगिक विकास के प्रस्ताव, पीडब्ल्यूडी हायर एजुकेशन, आईटी स्टाम्प विभाग, नई शीरा नीति लैंड यूज नीति, ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी का प्रस्ताव। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से है। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा कामों को धार दी जा सके, ज्यादा से ज्यादा काम हो सके, और इसीलिए हर एक विभाग पर फोकस किया जा रहा है। और आज की भी ये कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण है। लोकभवन में ये बैठक शुरू हो चुकी है और मीटिंग में जाने से पहले डिप्टी सीएम किशोर प्रसाद मौर्य ने सबका साथ सबका विकास का संकल्प दोहराया और अखिलेश यादव पर हमला बोला। जो उन्होंने लोकसभा के चुनाव में कुछ अधिक सीटें जीत ली है, वह झूठ के आधार पर जीत लिया, जनता को गुमराह करके जीत लिया, खटाखट के नाम पर जीत लिया, संविधान और आरक्षण की झूठी बातें कह करके जीत लिया। लेकिन सबको ये पता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है वह अराजकता का है, माफियाओं के संरक्षण का है, दंगाइयों को बढ़ावा देने का है और समाज में वैमनस्यता फैलाने का है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का संकल्प लेकर के लगातार 2014 से देश में और लगातार 2017 से प्रदेश में सरकार। तो लोकभवन में ये कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा प्रस्ताव जो है इस बैठक में पास होंगे। सबका साथ सबका विकास को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और अखिलेश यादव पर भी उन्होंने हमला बोला। तो योगी कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो चुकी है, लोकभवन में ये मीटिंग हो रही है। इससे पहले तमाम मंत्री एक एक करके लोकभवन पहुंचे।